Hi, I'm Max, your home surveillance robot vacuum. एवरीवन, मैं प्रियंका और यह है राहिल ने, और आपका स्वागत है हमारे चैनल होम एंड मच मोर में। हम सभी जानते हैं कि जब भी घर में झाड़ू पोछा लगाया जाता है तो दिन में केवल एक बार झाड़ू तो सफिशिएंट नहीं होती है। दिन भर में धूल गिरती रहती है या फिर बाल गिरते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ होता ही रहता ही है अगर आपके घर में बच्चे हों। और अगर ऐसे बच्चे हों तो अगर ऐसे में कुछ ऑटोमेटेड मिल जाए कि जो घर में अपने आप झाड़ू लगाता रहे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है रोबोट वैक्यूम क्लीनर के या फिर बहुत अच्छे पावरफुल हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर के, लेकिन अगर रोबोट हो जो अपने आप काम करे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाला ट्राइफो रोबो वैक्यूम क्लीनर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्राइफो मैक्स रोबोट वैक्यूम क्लीनर इस तरह के कार्टन में आता है, और जब ये डिलीवर हुआ तो इसके बाहर एक और कार्टन था एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। इसमें आपको एक क्यूट सा ऐसा स्टिकर मिलेगा और साथ ही में यूजर मैनुअल। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस यूजर मैनुअल को रेफर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट एक साल की वारंटी के साथ आता है, लेकिन आप वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं। आपको डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और ये है वैक्यूम क्लीनर, बट उससे पहले मैं आपको इसका चार्जर दिखा देती हूँ। ये है चार्जिंग प्लग और उसकी केबल, और ये कनेक्ट होती है चार्जिंग स्टेशन से। तो ये है रोबोट वैक्यूम क्लीनर का चार्जिंग स्टेशन, तो इस पर कनेक्ट होकर ही जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है वो चार्ज होता है। ट्राइफो मैक्स 5200 mAh बैटरी के साथ आता है, जो इसके हाई सक्शन पावर को सपोर्ट करता है। ट्राइफो मैक्स दिखने में भी काफी एलिगेंट है। तो यहाँ पर है इसका होम बटन और पावर बटन, और यहाँ पर है कैमरा, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक स्पंज दिया गया है, एक फोम का पीस दिया गया है जिसे हटाना है इस तरह से। बेसिकली जो बम्पर है इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के फ्रंट में, वहां पर ये एज अ बैरियर काम करता है। इसे निकालने के बाद ये जो बम्पर है इस तरह से देखिए मूव होता है, तो ये शॉक अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। यहाँ पर है USB चार्जिंग पोर्ट, Wi-Fi इंडिकेटर और रीसेट बटन, और ये है बॉक्स जहाँ पर जो भी डेब्री है, जो भी कचरा है, सब कुछ कलेक्ट होता है। तो इस तरह से बटन प्रेस करके आप इसे निकालिए। अभी ये यूज़ नहीं किया है इसलिए ये खाली है, मैं आपको आगे यूज़ करने के बाद भी इसे दिखाऊंगी। तो ये जो आप यूनिट देख रहे हैं ऊपर, ये इसके फिल्टर है, तो एक टाइम के बाद इन्हें भी चेंज करना पड़ता है। बट आप यूज़ के बाद इन्हें क्लीन करके, वॉश करके, अच्छे से ड्राई करके ही वापस से इस वैक्यूम क्लीनर में यूज़ करें। तो अब हम देख लेते हैं इस वैक्यूम क्लीनर की बॉटम साइड। यहाँ पर दो व्हील्स है, तो आप देख सकते हैं इतना वाइड इसका क्लीनिंग एरिया है, और ये जो व्हील्स है इस तरह से प्रेस होते हैं, तो ये जो है ऊपर नीचे वाले लेवल्स में एज शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं। और यहाँ पर है ये रोलर ब्रश। इस वैक्यूम क्लीनर में सक्शन पावर तो है ही, साथ में ये रोलर ब्रश और साइड ब्रश सारा जो कचरा है इसे इकट्ठा करते हैं और वैक्यूम क्लीनर की तरफ इसे धकेल देते हैं। वैक्यूम क्लीनर गोल है, लेकिन साइड ब्रश की वजह से जो भी कॉर्नर्स है वहां का सारा कचरा आसानी से ये वैक्यूम क्लीनर क्लीन कर लेता है। यहाँ पे ये सेंसर्स हैं, और भी सेंसर्स हैं इस तरह के, तो उसका भी हम यूज आगे देखेंगे कब वो काम आते हैं। ये एक टेम्पलेट आपको मिलेगी, तो इस टेम्पलेट को रख के साथ में ये दिए गए दो वेलक्रोस को लगा लें। ये इस वैक्यूम क्लीनर का मॉपिंग यूनिट है, यानी पोछा है, तो इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हम आगे देखेंगे। बट इसे इंस्टॉल इस तरह से करना है, टेम्पलेट रखकर इसके जो वेलक्रोज है इन्हें चिपकाना है। और ये है मॉपिंग यूनिट का एक पार्ट, ये वाटर टैंक भी है, हम आगे इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो वेलक्रो से वेलक्रो कनेक्ट करके इसे इस तरह से लगाना है कि जो व्हील है उसे प्रेस करते वक्त ये बीच में नहीं आना चाहिए। और ये है मॉपिंग पैड्स, तो ये इस तरह से इसमें स्लिप करके इसे लगाना है। अगर आप मॉपिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो मॉपिंग काफी बेसिक है इस वैक्यूम क्लीनर में, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये वैक्यूम क्लीनर 3000 PA सक्शन पावर के साथ आता है, और जो इसका पेट वेरिएंट है उसमें सक्शन पावर और भी ज्यादा है। इसका रन टाइम है 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे। इसकी जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है जैसे कि रोलर ब्रश, साइड ब्रश
और फिल्टर्स ये आपको बहुत आसानी से अमेज़ॉन पे सही रेट पर मिल जाएंगे। आपके ट्राइफोमैक्स रोबो वैक्यूम क्लीनर की ये एक्सेसरीज कितनी यूज हुई है और इनके बदलने का समय अगर आ गया है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्राइफोमैक्स के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अब देखते हैं इस वैक्यूम क्लीनर का डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप ट्राइफोमैक्स का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। उसके बाद ट्राइफोमैक्स को ऑन करें और यहाँ पर क्लीन बटन पर क्लिक करें। इस समय पर आप सक्शन पावर एडजस्ट कर सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लो से मीडियम या फिर जितनी सक्शन पावर आपको रखनी है। ट्राइफोमैक्स अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप मैनुअल मोड सेलेक्ट करते हैं तो एक रिमोट कंट्रोल कार की तरह ही आप इस रोबोट को ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटो मोड पर ये रोबोट पूरे घर का मैप खुद बना लेता है और आप मैप को रियल टाइम पर मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। ये देखिए साइड ब्रश से जो कॉर्नर्स है वो भी अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी राई और दाल गिराई है। ये देखिए जितने पाथ पर ये वैक्यूम क्लीनर गया ये क्लीन हो गया। मैंने आटा भी डाला है तो टू एंड फ्रो जब ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर घूमता है तो ये पूरा जो ये कचरा है क्लीन कर लेता है। साथ ही में बहुत इजीली एफर्टलेसली ये बालों को भी उठा लेता है। अगर आपके फर्नीचर के नीचे या फिर फर्नीचर के अगल बगल इनफ स्पेस है कि ट्राइफोमैक्स वहां जा सके तो ये आपके फर्नीचर के नीचे भी अच्छे से सफाई करेगा। इसमें एंटी ड्रॉप सेंसर्स है, यानी अगर आपके घर में स्टेयर्स है या कहीं पर भी हाइट का डिफरेंस आता है तो चिंता ना करें, ये गिरेगा नहीं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये बिल्कुल नहीं गिरता। इसमें मोशन सेंसर भी है, यानी अगर आप इसके सामने से मूव होते हैं, कोई चीज़ हिलती है तो ये अपना रास्ता बदल लेता है। ये आसानी से कारपेट पर भी चढ़ जाता है और कारपेट को भी क्लीन कर देता है। तो सेंटर टेबल देखिए मेरा काफ़ी स्पेस है इसके नीचे तो ये आसानी से यहाँ से जा पा रहा है, लेकिन हमारे सोफे के नीचे स्पेस नहीं है तो वहां पर ये क्लीन नहीं कर सकता। अगर आप इस वैक्यूम क्लीनर को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रूम में ना जाए तो आपको दरवाजा बंद करना पड़ेगा। वैसे ऐसे भी वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं जिसमें आप नो गो जोन सेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। ट्राइफोमैक्स में दिया गया कैमरा विजुअल नेविगेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग के लिए भी यूज होता है। जब भी कोई मोशन डिटेक्ट करता है इसके विजन में, इसके फील्ड में, तो ये आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल ऐप के थ्रू देगा। जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं और इससे पहले वाली क्लिप में बॉटम राइट में थी वो इस रोबो द्वारा की गई है। ये देखिए आप इसे लोकेट करके जहां आप बुलाना चाहते हैं वहां पर भी मोबाइल ऐप के थ्रू बुला सकते हैं। ट्राइफोमैक्स रोबो वैक्यूम क्लीनर की जब बैटरी लो हो जाती है या फिर यहाँ ऐप पर जो रिचार्ज का बटन है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये अपने आप अपने चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन फाइंड करके खुद वहाँ पे जाके माउंट हो जाता है। चार्जिंग। और जैसे ही ये चार्ज होता है आपको मोबाइल पे उसका इंडिकेशन दिख जाता है। आप स्क्रीन पर 64% जो देख रहे हैं ना ये वही है। नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर आप टाइमिंग सेट करते हैं तो आपको दिन के किस समय पर, हफ्ते के किन दिनों पर और कौन से टाइप के मोड में ऑपरेट करना है, साइलेंट है, नॉर्मल है, जिस हिसाब से आप टाइम सेट करेंगे उस हिसाब से रोबो अपना काम स्टार्ट करेगा। इसमें आप क्लीनिंग हिस्ट्री भी देख सकते हैं, जो पास्ट में रोबो ने क्लीनिंग की है उस सब की आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। साथ ही में मेंटेनेंस टैब में आपको दिख जाएगा कि जो तीनों एक्सेसरीज है ये कितनी यूज हुई है और इनका चेंज करने का समय आया है या नहीं। मोशन सेंसर इनेबल करने से अगर इस रोबो के सामने कुछ मूव होता है तो ये अपना रास्ता बदल लेता है। अब देखते हैं इसके क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने अभी जो आपको डेमो दिखाया तो उसके बाद इसमें आटा, राई और दाल, साथ ही में डस्ट और हेयर सब कलेक्ट हो गया है। ये देखिए इसका बॉक्स पूरा भर गया है। आप इसे वॉश कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे ये पूरा सूख जाने के बाद ही अपने रोबो में वापस इसे इंसर्ट करें और बाकी आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इस रोबो को क्लीन कर सकते हैं। अब देखते हैं मॉपिंग। तो मैंने आपको अनबॉक्सिंग के समय दिखाया था कि किस तरह से मॉपिंग वाली यूनिट को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे इसमें पानी भरना है। एक छोटा सा साइड में आपको स्लॉट दिखेगा। पानी की कैपेसिटी काफ़ी कम है, लगभग 100 ml ही आप इसमें भर सकते हैं। तो ये मॉपिंग पैड जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था, तो बहुत बेसिक मॉपिंग इसमें होती है। बस वाटर कैपेसिटी अगर ज़्यादा होती तो ये ज़्यादा देर तक अच्छे से मॉप कर पाता।
डेफिनेटली घिस घिस के पोछा लगाने जैसा नहीं है, लेकिन जो डस्ट है उसकी मॉपिंग यानी उसका पोछा आसानी से हो जाता है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये क्लीनिंग में बहुत अमेजिंग है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से डस्ट और कुछ भी बीच में कचरा आए, बाल आए, अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये रोबो वैक्यूम क्लीनर इसकी प्राइस के हिसाब से बहुत ही एफिशिएंट है और इस प्राइस में इस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। आपको इस ब्रांड की इन्फॉर्मेशन और साथ ही में कस्टमर केयर की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Yeah!